Hey, good morning everyone. अनाया से गुड मॉर्निंग. और आज बज रहे हैं सुबह के, बता दूँ, 8:30, क्योंकि आज है संडे तो हम लोग आराम से उठते हैं. यस अनाया, अनाया का ब्रेकफास्ट आ गया है. ब्रेड है, एसी का स्पून है. हाँ, इसलिए खुश है क्योंकि ये एसी का स्पून है. और मैं ले आई हूँ अपनी चाय. मैं संडे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा. छुट्टी किसे नहीं पसंद है. सुबह ना आवाज़ नहीं निकलती ना, इतना डाउन रहते हैं, मतलब उठे हुए लगता है, थकान सी लगती है. तो सुबह ना मैं थोड़ा डाउन रहती हूँ. चाय पी के एनर्जी आएगी थोड़ा सा मुझे. अनाया अनाया, आज खाने में क्या खाओगे? आलू का पराठा. नाश्ते में इनको आलू का पराठा चाहिए है. बनाए आपको भी और जरा थोड़ा सा लगा दीजिए. अरे बाबा ठीक है, इनको तो मतलब हर चीज़ में डेकोर चाहिए. वैसे बड़ी बड़ी आर्टिस्ट हैं ये, पेंटिंग और ये सब इनको बहुत पसंद है. दिन भर एक पेंटिंग तो बनाती. कल बनाई थी ना एक आपने, कहाँ है? अच्छा अभी ब्रेकफास्ट कर लूँ, अभी ब्रेकफास्ट कर लें फिर दिखाती हूँ. सच में इतनी अच्छी इसने बनाई है, पता नहीं कैसे बना लेती है यार. मुझे भी शौक था बचपन में पेंटिंग का. वैसे है स्कूल में डिज़ाइन बनाई थी मैंने, सच में बहुत अमेजिंग बनाई है. मैं दिखाऊंगी आपको. मैं चाय फिनिश कर लूँ अपनी. वह सच में बहुत अच्छी है, पता है क्या? वैसे तो अच्छी है, कोई इसके छोटे मोटे बड़े रीज़न नहीं. ये मेरी साड़ी है ना बाहर फैली हुई थी, और बुआ ने ना मुझे तहा के बाहर ही रख दी थी. मैं गई तो मुझे इतना अच्छा लगा है. तो रस्सी भी पड़ी हुई थी, बुआ ने मुझे जो है साड़ियाँ फ्रीज बना के दी थी. यही तो होता है दिन भर हम लोगों के साथ में, बहुत मज़ा आती है बुआ के साथ में. आज तो और मज़ा आएगी क्योंकि आज है संडे. ये जो मेरा रूम है ना, जो मैशी से दिख रहा है, आप लोग को लग रहा होगा क्या कबाड़ था. कबाड़ नहीं, एक्चुअली क्या हुआ ना कि इधर जो 4 दिन से बारिश ज़्यादा हो रही थी, तो हम लोगों के पास में ना 2 ही रूम है. तो हमने क्या किए थे, कपड़े ऐसे ही पंखा चला के डाल दिया था ताकि ये सूख जाए. तो आज है संडे और मैं इन्हें ठीक से मैनेज करके रख देती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी. सो फाइनली हमने क्लीन कर लिया है अपना बेड. जो भी कपड़े थे हमने ये क्रीज बना के रख दिए हैं, बाकी प्रेस करने वाले कपड़े हमने बैग में रख दिए हैं. और हमारा बेड हो चुका है क्लीन. तो ये मैंने अरेंज कर दी है ये वाली वार्डरोब. हालांकि एक दिन नहीं लगेगा, फिर से सारी चीज़ें इधर उधर हो जाएंगी. वो देखो क्या कर रही हैं, मेरी ड्रेसिंग खोल के क्या बना रहे बाबा? क्या है ये? हाँ, क्या नहीं समझ पाते क्या बना, ये बना क्या रही हो? इनका मॉर्निंग से ही मैं जा रही हूँ नहाने, और ये जो काट पीट करके पता नहीं भैया. अरे ये मैंने ड्रेसिंग ऐसे ही खोल दिया, कुछ भी गिरे उससे हो गया. बस आप अच्छा करें और केयरफुली करो ना यार, ठीक है? केयरफुली करो, मैं शावर लेके आती हूँ. ओके, ये रूम भी मुझे बेडशीट चेंज करनी है. मैं कह रही हूँ उनसे उठ जाइए, मैं कर दूँ बेडशीट चेंज कर दूँ, लेकिन नहीं, पहले मुझे करने दो, मुझे करने दो. चलो मैं जा रही शावर लेने. सो मैंने शावर ले लिया है और सब कुछ तो मैनेज हो गया था, लेकिन ये जो बेड है ना, इस पर अनाया वर्क कर रही थी तो ये मैनेज नहीं है. तो इसको मैं बेडशीट चेंज कर लेती हूँ. और अनाया आप जा रही हैं शावर लेने, उसके बाद हम कुछ खाने पीने का बनाते हैं. क्यों अनाया जा रहे हो शावर लेने? ओके, तो बस ये बेड और ये सोफा ही बचा था मैनेज करने के लिए. तो इसको करके फिर मैं बनाती हूँ इनके. क्या खाना है आपको बताएगी आगे? हाँ आ जाओ, क्या खाना है? आलू का पराठा. हाँ, तो इन्हें बिल्कुल लेस ऑल का आलू का पराठा मैं बना के दे देती हूँ. ऊपर चल रहा है कुछ अभी काम, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है. हाँ, क्या बनाया ये दिखा दे, आ जाए. ओ वाह, ये अनाया क्या करती है ना, जब बनाती तो कुछ दिखाती नहीं है, उसके बाद दिखाती है. वाह ब्यूटीफुल लुक. अरे चीज़ें दिखाओ. क्या? दो चीज़ें. दो चीज़ बनाई है. अच्छा, एक और चीज़ कुछ लेके आती. ये ना, ये इनको जब भी फ्री टाइम मिलता है बस क्राफ्ट. वाह, इन्होंने बनाया क्या ये देखिए.
ऐसे सो नाइस बनाया, अच्छा बनाया। और एक चीज है क्या? ओ वाओ वाओ, बहुत क्रिएटिव हो तुम, सुंदर बनाया बाबू। एक बार वो कप से बनाया था। कप से बनाया था? ओके, लेकिन वो बहुत पहले था। अच्छा, सो अनाया तो वैसे क्रिएटिव है, कुछ ना कुछ दिन भर करती है, संडे ही नहीं कि संडे को। अच्छा ठीक है, वहाँ पे जाएगी। अच्छा अब जल्दी से शावर लो, मैं जा रही हूँ किचन में। ये बस आराम से, आंधी तूफान सी भागती है, ये गिरेगी तो फिर आगे वापस भी। कुछ भूल गई, क्या भूल गई? क्लॉथ तो बाद में करोगे ना, वहाँ से तुम बाथरूम टॉवल पहन के आओगे ना। गई, चले मैं भी रूम मच करके जल्दी इस किचन में जाऊंगी, कि इसको भुक्कड़ है, तुरंत भूख लगाएगी इसको तुरंत। पराठा तो पराठा बहुत बड़ा है, मतलब दो पराठा, तो मैंने कहा बाबू से एक मिनट, हाँ पिज्जा, तो मैंने कहा बाबू एक पराठा खा लो, पराठा बहुत बड़ा है। तो क्या कहे, कौन खाएगा पराठा? कौन खाएगा पराठा? हाँ डॉली, मतलब इधर ही कितना फूला हुआ मेरा पराठा बना है। हाँ तो कह रही है कि मेरी डॉली खाएगी, मतलब इनकी डॉली पराठा खाएगी, इसलिए हम दो पराठे बना दें। ये देखिए कितने हैवी हैवी पराठे हैं, पराठाज हैं, एक ये है। मैंने कहा बाबू एक खा लो, नहीं इन्हें दो खाने हैं, और दूसरा इनको पिज्जा कट हो फो, हम तो क्या पिज्जा नहीं खाएंगी, मगर पराठा इन्हें कैसा चाहिए? पिज्जा कट, भैया मेरा। अच्छा आना है तो पराठा खाएंगे और मैं खाऊंगी मूंग दाल का चिल्ला। मुझे पराठा पसंद तो है, लेकिन मूंग दाल का चिल्ला, पराठा तो आप कभी भी बना लो, लेकिन मूंग दाल का चिल्ला उसके लिए आपको पहले से भिगा के रखनी पड़ती है दाल। तो मैंने कल दाल भिगा दी थी, लेकिन इन्हें क्या था कि मुझे मुझे आज आलू का पराठा ही खाना है। तो कपड़े सूख रहे हैं धूप में, आज भी बुआ क्या काम चल रहा है, ऊपर तो बड़ा डिस्टर्बेंस है। अभी कपड़ों में थोड़ी सी धूप लग जाए फिर अंदर कर लूँगी, नहीं तो धूप में ना रंग चला जाता है कपड़ों का। तो चले इधर, मेरे पराठे बन गए, दे देती हूँ अनाया को पराठा, गर्मी बहुत है भाई, और मैं बना लेती हूँ अपना मूंग दाल चिल्ला और इंजॉय करते हैं सुबह का अपना ब्रेकफास्ट। लंच में इन्हें आलू की सब्जी चाहिए, आज आलू आलू ही खाएंगी ये। तो मैं देती हूँ अनाया का पिज्ज़ा कट पराठा। बाबा चल टेबल पे खा ले प्लीज़ यार, हॉट है, टच करके देखो, मैं झूठ नहीं बोल रही, हॉट है। अच्छा तो ठंडा करके खाना, और सुनो अभी एक पराठा है, दूसरा वाला जब ठंडा हो जाएगा तब मैं दूंगी, ठीक है? तो एक गरम? हाँ, क्या? तो एक गरम? गरम है बेटा, तो मुझे दो रखो, मैं जल जाऊंगी।
अरे ललचा जाओगे तो खाना तो तुम्हें ही है ना, कोई और तो आने खा आ नहीं रहा है खाने। अरे मुझे जल्दी ही खाना है तभी। अरे मेरी लाडो, ऑलवेज भुक्कड़ बेटी मेरी, खा लो जब ठंडा दूसरा ठंडा हो जाएगा तो मैं दूंगी, तब तक मैं अपना वो बना लूँ, चीला बना लूँ, ठीक है? ओके अनाया और अनाया की टीवी। सो मैं स्प्रेड आउट कर रही हूँ अपना चीला, जो कि मैंने मूंग दाल और थोड़ा सा मेरे पास राइस बचा हुआ था नाइट का, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और बहुत ज़रा सा मैंने डाल दिया है इसमें बेसन, और पीसते वक्त मैंने इसमें ऐड कर लिया था अदरक और ज़ीरा, और मैंने जस्ट बनाने से पहले इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है, क्योंकि अगर ना सारे पेस्ट में अगर आप नमक ऐड करके रख दोगे ना तो थोड़ी देर बाद ये बैटर आपका ख़राब हो जाता है। मतलब अगर आपको शाम को चीला बनाना है तो आप नमक डाल के ना रखें उसमें, तो ये चल जाएगा। तो मैंने इस पर स्प्रेड आउट कर लिया है, थोड़ा सा मैंने नमक ऐड कर लिया था, अदरक डाल दिया था, अभी इसको थोड़ा सा नीचे से कुक हो जाने देंगे, उसके बाद में इसको पलटेंगे। और मैं इसको खाती हूँ दही के संग, मुझे चीला दही के संग पसंद है, चटनी के साथ पसंद है, पर पता नहीं मुझे दही के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। आज मैंने चटनी नहीं पीसी है तो इसको मैं दही के साथ ही खाने वाली हूँ। चूँकि मेरे पास स्टैंड नहीं है तो मैं इसको हाथ से ही बना रही हूँ, तो एक हाथ से बनाना और एक हाथ से शूट करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, इसलिए मैं इसको पलट देती हूँ, उसके बाद में दिखाती हूँ आपको। और आज चिल्ला सच में बहुत ही इजली जो है, कहो ज़्यादा तारीफ कर दी ना मैंने, आज चिल्ला सच में बहुत ही इजली निकल गया। ये देखो अब इसको दोनों तरफ से सेक लूँगी और फिर खाती हूँ मैं भी जाके। बचे हुए चिल्ला के बैटर को मैंने पैक करके रख दिया है विदाउट सॉल्ट, ताकि वो ख़राब ना हो, और मेरी चिल्ला प्लेट तैयार है, मैं जा रही हूँ उसको खाने। पहले आई हूँ अपनी चिल्ला और अनाया देखिए कैसे खा रही है पराठा, ये पिता इतना ताना सा नहीं, उठ के बैठ गई जल्दी से जल्दी से, मैं इनको बोल गई थी कि उठ के बैठ के खाइए, और ये टेबल पे मैंने कहा था खाओ लेकिन नहीं, तो मैं चलिए खा लेती हूँ, ऊपर बहुत डिस्टर्बेंस है, शोर हो रहा है, काम चल रहा है, इसलिए मैं अपना चिल्ला और दही खा लेती हूँ, वो पराठा खा लेती है, देखिए डर गई देखिए ना। उसके बाद आज मैं सोच रही हूँ इडली खाने का, मुझे पसंद है इडली एक्चुअली, पर संडे देखती है बनाती है कि नहीं, फिलहाल तो मैं चिल्ला खा लेती हूँ। ओ आई है मेरी दो पार्सल, तो वो उनको ओपन करेंगी, और दोनों में है सूट है ना, मुझे कॉटन बहुत पसंद है, तो देखते हैं कैसा है, लग तो अच्छा ही रहा है, क्योंकि देख के तो मैं मंगाया, रिव्यू भी मैं देख लेती हूँ, रिव्यू ज़रूर देखे जब भी कुछ मंगाएं तो। कैसे बना देते हैं, ये आई है कॉटन कुर्ती है, वो कैसी लग रही, अच्छी लग रही है, सही बताओ अच्छा लग रहा है ना, अच्छी लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ये केवल कुर्ती है ना इसमें, नहीं ये है। अच्छा पैंट है नीचे, मैं भूल भी जाती हूँ यार, सही है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है ना पैंट फिट करानी पड़ेगी, पैंट थोड़ा सा लूज भी लग रही है, थोड़ी लंबी भी लग रही है, बाकी कपड़ा तो सही है, कपड़ा सुंदर है, कपड़ा चिकना वाला है, थोड़ा सा मिक्स है, थोड़ा सा प्योर कॉटन तो नहीं कहेंगे, अब इसको ट्राई करके देखती हूँ, अगर अच्छा लगता है तो सीजन दूसरा वाला ओपन करें, ये थोड़ा सा जैसे इसमें एम्ब्रॉयडरी भी है, पार्सल मैं बुआ से खुलवाती हूँ, बुआ ही खोल देती है, हाँ इसको अलग रख लें, देखते हैं अगर ना कटा पिटा तो नहीं, तो वापस करना पड़ेगा नहीं तो। तुम क्या कर रहे हो, क्लीनिंग करेंगी ये, अभी कुछ बचा हुआ है, ओपन करें बुआ, सही है ना बुआ, ये प्योर कॉटन है, ये प्योर कॉटन है, मस्ट बाय, हाँ जी ये प्यारा है, प्यारा इन द सेंस ना कपड़ा बिल्कुल कॉटन है, ये सुंदर भी है, बुआ को भी पसंद आया, बुआ लेंगी आप मंगवाएंगी, हाँ
ये थोड़ा सा नायरा कट नहीं चला आज कर जो वो है ना, शायद नायरा कट ही लग रहा है। नीचे भी लगा देते तो नहीं, वो नीचे नीचे लगता दुपट्टा खोले बुआ। ये शलवार, हाँ ये वाली शलवार ना मैं एक और सूट में पहन चुकी हूँ तो मुझे अच्छी लगी। इसमें ना नीचे चुन्नट पड़ी रहती है और ये बहुत खूबसूरत लगता है पहनने पे, जैसे अफगानी शलवार नहीं होती थोड़ा बहुत वैसा लगता है, अच्छा लगता है। और स्कूल स्कूल के लिए ना कॉटन सही रहता है मेरे लिए। ये दुपट्टा, दुपट्टा भी सही है, दुपट्टा भी सही है, दोनों अच्छे मिले। इन्हें देखिए, हाँ बुआ क्या कह रही, ये चीज भी नीचे लगी थी तो पूरा अच्छा लेस, सही है ठीक है, दोनों ही अच्छे आए। कलर इसका अच्छा लग रहा है, इसका ना पिंक, बुआ पिंक ना पिंक आपने भी तो पहना है कलर थोड़ा डिफरेंट। आप पिंक ना मैंने इतना ज्यादा पहना कि मैं उब गई थी, लेकिन फिर मेरा मन नहीं माना, नहीं तो आपको अच्छा लगा। हाँ फिर हम पिंक पे पहुंच गए। यू आल्सो लव पिंक। अच्छा आज अनाया, अभी मैंने बेडशीट चेंज की थी, इसको नीचे मैट पे आप कर लेते क्लीन। बिल्ला, मेरे घर का बिल्ला, चलो चल देखो आज अनाया भी ना पूरा किचन सेट साफ कर रही है ना, ये किचन सेट है। हाँ। आज बुआ थोड़ा डिस्टर्ब हो गई, बुआ का ना मिस्त्री ने दिमाग खराब कर दिया, थोड़ा सा काम गड़बड़ कर दिया तो वही बुआ, तो मैंने कहा बुआ आप मेरी तरफ चलो थोड़ा मूड आपका फ्रेश होगा, और बुआ का मूड थोड़ा ठीक हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। वो मुस्कुराती हुई अच्छी लगती है। चलो तुम अपना काम करो। अब इसकी चोटी अच्छी लगती है, दिखा चोटी, बिल्ला लगती है बिल्ला, हाँ खरगोश लगती है बिल्ला, मैं बताती हूँ। मैं बुआ के संग अब गपशप लड़ाऊंगी, बुआ का मूड थोड़ा ठीक हो गया है, बुआ बिजी है काम में, फिर भी उन्होंने बुआ बिजी है किचन के काम में, फिर भी उन्होंने चाय बनाई और मुझे चाय दी। बुआ आपने पी ली? बुआ भी पी लेंगे और हम भी पीते हैं, सब लेडीज है, दिन भर किचन 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 के आवे। हम भाई चिल्ला खाए, अभी खाए सब्जी, अनाया को अभी खाएगी ना वो, हालांकि दो पराठे खा जो अनाया कह रही है, बुआ कह रही है यही खाना खा लो आज, खाना यहाँ नहीं खाऊंगी, दम आलू। सच में हम लेडीजों की सुबह भी किचन से शुरू होती है, रात भी किचन से ही खत्म होती है। मैं अभी देखो सुबह गई किचन में चिल्ला विल्ला बनाया, अभी मैं जाके इडली का बैटर तैयार करके आई हूँ, फिर मैं थोड़ी आलू बॉल की थी, अनाया के जैसे ही भूख लगेगी वैसे मैं सब्जी छौंक दूंगी। क्यों सही है बुआ, फ्रेंकली बोल देती है बुआ, कह रही कुछ भी कर लो लेकिन कोई खुश फिर भी नहीं रह सकता। बुआ इधर सुनो, सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है खुद को खुश रखो, समझ रही है? नहीं क्योंकि सब अपने खुश रख ली यही बहुत है, दूसरे का हर एक खुश नहीं रख पाता, न रख पाएगा न रख पाया है कभी आज तक, आप कितना भी किसी के लिए, इसलिए पहले अपने आप को खुश रखो उसके बाद में दूसरे प्राथमिकता में दो। अपने क्या खुश रखे जो बातें सुना रहे इंसान, आज सुना चलो ठीक है, आज हुआ थोड़ा सा जो है मूड अपसेट है, ये बात वास्तविकता है, जब आप किसी के लिए बहुत ज्यादा करिए और रिस्पॉन्स ना दे एटलीस्ट, लेकिन उल्टा ना ना बोले इंसान तो फिर खलता है किसी के लिए करना भाई, ये तो जाए। हाँ भैया क्या चाहिए? पानी चाहिए बुआ। भैया लेबर भैया पानी मांगने आए हैं, पानी दे दीजिए। हाँ दे दीजिए, उसी से भर लेंगे, खड़ा रखा होगा ना इसको फोड़ के डाल लेना। ये भैया बेचारे जो है ना पानी दिन भर चाहिए होता है भाई, प्यास लगती है सबको, दे दे बर्तन, पानी कहाँ डालो भैया पीने के लिए, तो बोतल में कहाँ आएगा वो, बोतल दे देते हैं झोला में, अपने घर में डाल लेते हैं, क्या कर लेते हैं घड़ा में। अच्छा बोतलें झोले में, तो ऊपर जाएंगे ना बोतलें बहुत सारी हैं, तो बेचारी बुआ जो है इकट्ठे इसमें झोले में डाल देंगी और फिर हाँ पकड़ेंगे, एक हाथ से मैं पकड़ती हूँ, ये देखिए जुगाड़, एक बार बोतल दे दो ना, हाँ। बाकी पानी उधर भर लेंगे ऊपर का, और इधर चल देंगे ठंडा हो जाएगा। अरे वो टंकी वाला पियोगे थोड़ी ना, टंकी वाला नहीं पीना बुआ, जब रोज देती है तो ये वाला पियो। लो ये भाई साहब जो है कह रहे हैं कि एक बोतल दे दो, टंकी का पानी ना पिया करो, है ना, हाँ टंकी का पानी पीना ही नहीं चाहिए, बोझ देती है तो कोई इतना सारा बुआ ने बैग भर के दिया है और ठंडी बर्फ भी दे दी है, डाल के अपना मटके में पानी मिला के पीना,
वो बोतल देखो बुआ कितनी लगा के, सही में काम घर में करवाने पे ना, घर के ही काम देखो इतनी बोतलें बिछाई। अच्छा कहाँ तक कितनी बोतलें लाए अच्छी सी, हमें तो बुआ की चाय पी लेती है अभी मेरी चाय लाग लाग मेरी चाय ये रखी है ये। अब बोतल देगा ना, सुन लिया उन्होंने, सुन लिया कह रहे ठीक भाई यही जिंदगी है। देखो बुआ भी मुझे दुखड़े सुना रही थी, ऊपर भैया ऊपर वाले भैया आए ना लेबर भैया, उन्होंने बुआ का माइंड डिस्ट्रैक्ट किया और थोड़ा सा बुआ का मूड ठीक हो गया। तो क्या कहें भैया, यही लाइफ है, ऐसी लाइफ चलती है। पच्चीस बोतलें भरी हैं भाई, बोतल तो सही में भरने में बड़ी वो लगती है। चले मैं अपनी चाय इंजॉय करती हूँ, बुआ भी चाय इंजॉय कर रही है अपनी। छोकी यार दम आलू और बुआ पीछे बड़ी है, यही खाना यही खाना, दो ही रोटी तो खाती हो, और इधर है दम आलू और उधर बनी है कढ़ी। दोनों चीजें बुआ अनाया को देखो, अनाया बस आलू समझ से खा दो ले शायद, देखते हैं ये देखो आलू दे देना। हाँ खा ले ये देखो खुदा पड़ा है सारा घर, तभी इंसान ऊब जाता है देख देख के ना, कि काम देखें कि क्या देखें। तो अकेली बुआ परेशान हो जाती कर करके। मुझे तो मिल गया दोपहर का खाना जो लाई है बुआ जी, थैंक यू। और खाना है क्या है, दम आलू कढ़ी अचार रोटी चावल। मैं तो जा रही हूँ एंजॉय करने। बुआ किस खुशी में दिया अपने बच्चे को, क्या किसी खुशी में दिया जाता है। हाँ ये बात है, ठीक है मैं खा लेती इतने प्यार से लाएंगे तो। और क्या, मुझे बनाना नहीं पड़ा, बुआ ने मुझे पहले बोल दिया था कि आज खुशी है। हाँ सही बात है, खाना पीना खिलाने के लिए कोई खुशी थोड़ा ना मोहताज होता है। भैया हम खाने जा रहे हैं, इससे पहले खाना ठंडा हो। वो कर रही है पढ़ाई, हाँ दिल होना चाहिए, खाना भी होना चाहिए। हम खा लेते हैं, नहीं खाना ठंडा हो जाएगा। सो आज था संडे, और संडे को तो अनाया ट्यूशन पढ़ती नहीं है, पर अनाया के एग्जाम्स चल रहे हैं तो इनकी मैम भी बैठी हुई है आज ट्यूशन पढ़ाने के लिए, और हम लोग इंजॉय कर रहे हैं ब्रेड पकौड़ा। ब्रेड पकौड़ा अनाया का ब्रेक टाइम है। हाँ क्या 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 अनाया, हम लोग का ब्रेक टाइम है, आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। नहीं ना अनाया लर्न कर लिया सारा है ना, जी के का तो सब लर्न था। अनाया फोकस अपने वर्क पे है। हाँ अनाया का फोकस बिल्कुल अपने वर्क पे है, हम भी लोग चिल आउट कर रहे हैं। अनाया कल किस चीज़ का एग्जाम है? हाँ चले मुझे लगा पता नहीं, नंबर तो अच्छे लाती हैं, पता नहीं सब्जेक्ट याद है कि नहीं याद है। कोई नहीं, वो सिर्फ फोकस कर रही है अपने पढ़ाई पे बस। चले हम लोग एंजॉय करते हैं, वरना ब्लॉग के चक्कर में सारा मजा कर रहा होता। टेस्टी है लेकिन थोड़ा सा ज्यादा तीखा हो गया। मन मिर्च कर दी। चले कोल्ड ड्रिंक के साथ में थोड़ा सा कम लगेगा इसका तीखापन। क्यों हंस रहे बताओ सब लोग हंस इसलिए रहे हैं कि वो खड़ी मेरी प्यारी चिटकी आनी, मेरे घर में दूध का दमना, जैसे आनी ने एंट्री की सबने क्या बोला कि आनी अगर दूध पीना है नहीं अगर यानी अगर चाय पीनी है तो दूध लेके आओ। क्या लाइए यानी कितने पैकेट लाओगी? दो पैकेट ले आना, दो पैकेट है ना। किसी का मुंह दर्द हो रहा है, किसी का पेट दर्द हो रहा है, और ये देखो मेरे कपड़े अभी ना मैं रस्सी से उतार के लाई हूँ। यार कोई आ जाओ इन कपड़ों को व्यवस्थित करा दो, बहुत काम रहता है यार। अब तुम लोग हंसी लो, तुम लोग हंस लो। फिलहाल आनी गई है दूध लेने, और उसके बाद हम लोग पियेंगे चाय। अगर एक बार हंस लोगी तो नहीं होगी, तुम्हारा कुछ जवाब ही नहीं है यार ये कहता है। फिलहाल आनी गई है दूध लेने,
ताकि हम लोग चाय पी सके। हमारी चाय बन के आ चुकी है, मैं ही बना के लाई हूँ। ये उसी दूध की चाय है जिसके पीछे हम पड़े हुए थे, छुटकी के छुटकी दूध ले आओ दूध ले आओ। और ये पी रही है छुटकी अपनी चाय, छुटकी चाय अपनी मर्जी से नीचे बैठ के पीती हैं। क्यों? क्योंकि छुटकी कहती है कि हमें आराम मिलता है नीचे बैठ के। छुटकी मैं कभी कहती हूँ नीचे बैठो? जी नहीं, नहीं कहती हूँ। कोई जोर जबरदस्ती? वो कहती है मैं आराम से नीचे कंफर्टेबल रहती हूँ खाने पीने में, इसलिए हम नहीं कहते चलो ठीक है बैठने को चेयर पे बैठ जाएगी, लेकिन खाने पीने में वो कहती है मैं जमीन पे बैठ के खाऊंगी या पीऊंगी। हम इंजॉय करते हैं अपनी चाय, आपने भी होप सो पी ली होगी। समय हो रहा है 7:15, आज लेट हो गया है। छुटकी चाय अच्छी बनी है? जी हाँ। अच्छी बनी है ना? छुटकी कहाँ से कवर कर चले। अच्छा हम लोग इंजॉय करते हैं अपनी चाय, संडे की चाय। तो बुआ खाना खा लिया? नहीं अभी नहीं खाया, अभी देर से नहीं, मना कर रहे हैं। मैं और मेरी बेटी तो खा चुके हैं खाना, हम जल्दी खा लेते हैं 7:30 से 8 के बीच में। अभी बज रहा है 9:15, तो मैंने खाना खा लिया। अब मैं और बुआ वेट कर रहे हैं अपनी मूंगफली का, है ना बुआ? हम लोग की रोज की आदत है ना मूंगफली खाने की, रोज की, रोज शाम को हम लोग बैठते हैं और लाने वाला कौन है? मून। मून रोज आते हैं और मूंगफली लाते हैं। वो होला आपके यहाँ पता नहीं होला मिलता है कि नहीं मिलता है? जो कच्ची मूंगफली होती है ना बुआ, जो कच्ची मूंगफली होती है उसे भून के देते हैं ना। खस्ता नहीं अच्छी लगती? नहीं, खस्ता नहीं अच्छी। तो अभी हम खाएंगे होला मूंगफली, और उसमें दो तरह की चटनी होती है, ग्रीन और रेड, और सूखा वाला नमक रहता है। मुझे तो रेड वाली चटनी बहुत। हाँ आलू, बुआ ने आलू भी मंगाई? कितनी मंगाई? दो मंगाई क्योंकि बुआ खाती है, बहुत पसंद है। वो जुकाम में सही हुआ ना? कहाँ सही हुआ, और देखो आई नहीं मेरी, मेरी नहीं आई। और बुआ ने दो आलू भी भुनी हुई मंगाई है, जो बालू में भून के देते हैं, बहुत टेस्टी। हम ठंडियों में ज़्यादा मिलती है, पर यहाँ अभी से शुरू हो गई है। और एक और बुआ आज खुश ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि कल बुआ की आ रही है बेटी, है ना? कल छोड़ के परसों से हम बुआ की बेटी भी हमारे ब्लॉग में होगी, इंतजार करिए तृप्ति का। ओके सो कीप वॉचिंग, और इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।